आज हम राजस्थानी रेसिपी बनाएंगे। ये देखिए, ये इस तरह का ये होता है। कहीं कहीं इसको काजरी भी बोलते हैं, कचरिया भी बोलते हैं, और इसको पेटुआ भी बोलते हैं। ये देखिए, देखने में जैसे तरबूज की तरह लग रहा है, लेकिन ये बहुत छोटा सा है। इसका छिलका हमने उतार लिया है। ये देखिए, इस तरह से सारे छिलके उतार लेने हैं। एक हमने आपको दिखाने के लिए रख लिया है और इसका छिलका हम उतार लेते हैं। ये देखिए, छिलका उतारने के बाद इसके हम दो दो टुकड़े कर लेंगे। ये देखिए, दो दो टुकड़ों में हमने इसे काट लिया है। ये फ्राई हो गया है, अब हम इसे निकाल लेंगे। अब इसी सेम कढ़ाई में हमने एक चम्मच तेल डाल दिया है और एक पिंच हींग, जीरा, हल्दी पाउडर। अब ये फ्राई की हुई काकड़ी हम इसमें डाल देते हैं। एक चम्मच धनिया पाउडर, गरम मसाला, नमक स्वाद के अनुसार, और लाल मिर्च पाउडर, और इसमें हाफ कप हम पानी डाल देते हैं। दो से तीन मिनट के लिए हम इसे ढक के पका देते हैं मीडियम फ्लेम पे। इसको पकते हुए 5 मिनट हो गए हैं, खोल के देखते हैं। और एक चम्मच हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे, इससे सब्जी में कलर बहुत अच्छा आएगा। सब्जी हमारी बनकर तैयार हो गई, महक बहुत अच्छी आ रही है। अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। आप इसे रोटी, पराठा, चावल के साथ खा सकते हैं। आप चाहे तो इसे सूखी रहने दें, या चाहे तो इसे ग्रेवी भी कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।